विद्या का महान केंद्र अंग की धरती पर 17 अगस्त 1908 में बंगाल कृषि महाविद्यालय के तौर पर स्थापित और 1912 में बिहार कृषि महाविद्यालय के नाम से नामित इस संस्थान का इतिहास स्वर्णिम सफलताओं से भरा हुआ है। कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में सबौर का नाम पिछली सदी से ही मौजूद है। आम की पहली हाइब्रिड किस्म यहीं विकसित की गई। कृषि प्रसार का अध्ययन और अध्यापन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्हीं बिहार कृषि महाविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर पर बिहार राज्य में समग्र कृषि विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए एक दशक पूर्व 5 अगस्त 2010 को स्थापित हुआ बिहार कृषि विश्वविद्यालय। अपने स्थापना काल से ही विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध, प्रसार और प्रशिक्षण के अलावा सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने अल्प अवधि में ही कई सफलताओं को अपने नाम किया है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं विश्वविद्यालय में इस वर्ष हुए कुछ खास गतिविधियों पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने अपने नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह का किया भव्य स्वागत और अभिनंदन। मौके पर दूरदर्शी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय को वर्क इज वर्शिप, वर्क विथ स्माइल का स्लोगन दिया और कहा कि कर्म ही पूजा है जिसे मुस्कुराते हुए करना चाहिए। हम आपके मुस्कान में कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ ऐसा माहौल बनाएं कि यहाँ आने वाले सकारात्मक भाव लेकर जाएं। विश्वविद्यालय ने अपना 7वां दीक्षांत समारोह मनाया। महामहिम कुलाधिपति ने छात्र छात्राओं को प्रदान की उपाधियाँ। 11 अप्रैल को हुए 7वें दीक्षांत समारोह का थीम बिहार सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम जल जीवन हरियाली को साकार करने के लिए रखा गया, जिसमें महामहिम सहित सभी गणमान्य अतिथियों द्वारा जल अर्पित कर संदेश दिया गया। 7वें दीक्षांत समारोह में कुल 980 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई, जिसमें 12 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। साथ ही कृषि शिक्षा में बेहतर कार्य के लिए इस वर्ष का बेस्ट टीचर अवार्ड डॉक्टर चंदन कुमार पांडा और डॉक्टर संतोष कुमार को दिया गया। इस अवसर पर महामहिम द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन सहित कई अन्य किताबों का विमोचन भी किया गया। साथ ही माननीय कुलपति द्वारा दिया गया स्लोगन वर्क इज वर्शिप, वर्क विथ स्माइल के लोगो का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल द्वारा किया गया। इस मौके पर गोद लिए गए स्कूल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सबौर के बालिकाओं को भी महामहिम के द्वारा प्रोत्साहन सम्मान भी दिया गया। विद्यालय को गोद लेकर उनके बच्चों के उत्थान के पीछे माननीय कुलपति की सोच रही है कि इन बच्चों को आरंभ से ही कृषि शिक्षा के प्रति जागरूक करना है एवं इनकी पोषण सुरक्षा के लिए मदद करना है। यह बिहार राज्य में पहली बार हुआ है जब किसी सरकारी संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक कार्य के रूप में किसी विद्यालय को गोद लिया गया हो। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा BAU के अंतर्गत मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान का किया गया लोकार्पण। महाविद्यालय में कृषि, वानिकी और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर जल्द ही शोध अध्ययन कार्य शुरू किया जाएगा। माननीय कृषि मंत्री बिहार श्री कुमार सर्वजीत द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय का किया गया दौरा। इस दौरान इन्होंने जलवायु अनुकूल कृषि प्रक्षेत्र, समेकित कृषि प्रणाली, बायो फर्टिलाइजर, टिश्यू कल्चर लैब, मीडिया सेंटर और छात्रावास का भ्रमण किया। साथ ही माननीय कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह द्वारा माननीय मंत्री के समक्ष विश्वविद्यालय की गतिविधियों और आगामी योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत की गई। विश्वविद्यालय परिसर में लगे भव्य किसान मेले में उमड़े किसान। कृषि विज्ञान केंद्र, जीविका और किसान क्लब से जुड़े किसानों सहित बिहार के सभी 38 जिलों
और झारखंड के 6 जिलों के लगभग 25,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां उद्यान प्रदर्शनी, हाइड्रोपोनिक तकनीक, विभिन्न कृषि उत्पादों पर लगे स्टॉल किसानों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं मेले के दूसरे दिन लगाए गए पशु प्रदर्शनी में किसानों के अलावा पशु प्रेमियों की खूब भीड़ रही। कृषि प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर मुनेश्वर प्रसाद और डॉक्टर रघुबर साहू को इस बार बेस्ट एक्सटेंशन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और ट्रिपल आईटी भागलपुर ने बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कृषि आधारित दुनिया का पहला ऐप ई निरो। यह एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ प्रभावित फसल या पौधे का फोटो भेजने पर समाधान बता देगा। 23 से 25 फरवरी तक चलने वाले किसान मेले में इस ऐप के पहले चरण का लोकार्पण किया गया। विश्वविद्यालय को मिला अपना पहला पेटेंट। बिहार के इतिहास में यह पहली दफा है जब किसी विश्वविद्यालय को उत्पाद के क्षेत्र में पेटेंट मिला है। अ मल्टी न्यूट्रिएंट नैनोक्ले पॉलीमर कंपोजिट एंड प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ द सेम नामक शीर्षक से मिला इस पेटेंट के लिए 9 जुलाई 2020 को आवेदन किया गया था, जिसकी स्वीकृति मार्च 2023 में भारत सरकार से 20 वर्षों के लिए प्रदान की गई है। यह नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में उर्वरक की आवश्यकता को 40% तक कम कर सकती है। अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास और खेलों की महत्ता को देखते हुए BAU में आयोजित किया गया इंडोर खेल प्रतियोगिता। स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। कृषि शिक्षा के लिए एक अनूठा और अद्वितीय रेडियो शो रेडियो रिविजन की गई शुरुआत। श्री कुमार सर्वजीत, माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अपने दौरे के दौरान छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और कृषि शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन द्वारा परिकल्पित रेडियो कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो फेलोशिप के लिए चयनित माननीय कुलपति ने मीडिया सेंटर के सभी कर्मियों को दी बधाई। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन को TRF यूनेस्को सिम का SDG फेलो 2023 के लिए चुना गया। पूरे भारत में 5 फेलो को चयनित करना था, जिसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय के FM ग्रीन का चयन भी किया गया। ICAR द्वारा प्रायोजित काफ्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 21 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 11 राज्यों के वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा। किसानों में जलवायु अनुकूल कृषि संबंधी ज्ञान के विकास के लिए बांका जिले के उपरामा गांव में स्थापित किया गया जिले का पहला कृषक पुस्तकालय। माननीय कुलपति ने किया उद्घाटन। 26 मार्च 2023 को कृषि विज्ञान केंद्र बांका द्वारा उपरामा गांव में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत प्रक्षेत्र दिवस सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान माननीय कुलपति डॉ. DR सिंह ने उपरामा गांव में चल रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का जायजा लिया और किसानों से कई बिंदुओं पर चर्चा की। आपको बताते चलें कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाई जा रही है, जिस कारण फसल उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक की वृद्धि देखी गई, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में कुल 14 लोग अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए। माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री कुमार सर्वजीत द्वारा इन सभी 14 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के कर्मियों और छात्र छात्राओं की सहूलियत को देखते हुए यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी लोकार्पण 11 अप्रैल को किया गया। BAU में जुटे 70, 80 और 90 दशक के पूर्ववर्ती छात्र अपने सहपाठियों से मिलते ही पुरानी धुंधली यादें हो गई ताजा। मौका था द्वितीय पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय कुलपति द्वारा घड़े में जल भराव कर जल संरक्षण का संदेश देते हुए किया गया। साथ ही पूर्ववर्ती छात्रों का एक वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। संध्या में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्तमान छात्रों के साथ 70 और 80 दशक के छात्र भी अपनी प्रस्तुति देने से अपने आप को रोक नहीं पाए। जरदालू आम के गुणवत्ता युक्त उत्पादन
भंडारण और विपणन और ब्रांडिंग विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। इस कार्यशाला में बिहार के 5 GI उत्पाद जरदालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी धान और मिथिला मखाना उत्पादन संघ के अध्यक्ष और किसानों ने भाग लिया। BAU सबौर में पहली बार आयोजित किया गया रोजगार मेला। 27 अप्रैल को आयोजित इस मेले में देश के कई बड़ी कंपनियों ने की शिरकत और लगभग 130 छात्रों ने भाग लिया। माननीय कुलपति के दिशा निर्देशन में ऐसा पहली बार हुआ है जब रोजगार देने वाले और रोजगार लेने वाले एक ही छत के नीचे थे। माननीय कुलपति के पहल पर जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान गतिविधियों की समीक्षा और अनुसंधान प्राथमिकताओं को नया स्वरूप देने के लिए BAU में एक दिवसीय विचार मंथन सत्र का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के दौरान बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के छात्राओं के लिए कुल 3 टीचिंग कम प्रैक्टिकल किताब भी जारी किए गए हैं। ये दृश्य है गोद लिए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, जहां विश्वविद्यालय के महिला टीम के साथ माननीय कुलपति डॉ. DR सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिमा सिंह इन बच्चों का जन्मदिन मनाने अचानक यहां पहुंची। यह देख यहां की बालिकाओं में खुशियों का ठिकाना नहीं था। मां के रूप में मैडम कुलपति को देख इनकी आंखों से खुशियों के आंसू छलकने लगे। छात्राओं के साथ केक काटने के बाद इन्हें कई उपहार दिए गए और घंटों इनके साथ बातचीत कर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। BAU सबौर अपने 9 अंगीभूत कॉलेजों के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रयोग आधारित शोध परक गुणोत्तर शिक्षा दे रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेजों तक वैश्विक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी, अनुसंधान के लिए मॉडर्न प्रयोगशालाएं और आधुनिक प्रक्षेत्र शामिल हैं, जहां एक तरफ प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल द्वारा उनके सॉफ्ट स्किल, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट और व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र नौकरी की तलाश ना कर खुद से रोजगार का सृजन करें, इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें अर्न वाइल लर्न कार्यक्रम से जोड़ा गया है। साथ ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में 6 माह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्स कराया जाता है, ताकि वे उद्यमी बन सफलता का मुकाम हासिल कर सके। BAU के गुणोत्तर शिक्षा का ही नतीजा है कि वर्ष 2022-23 के दौरान यहाँ के 17 छात्रों ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 18 छात्रों ने ICAR-SRF के माध्यम से डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम के लिए फेलोशिप हासिल की है। साथ ही यहाँ के छात्र नीरज बागोरिया को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय वागेनिंगेन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड यूरोप में अपने डॉक्टरेट शोध को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को निरंतर प्रभावी बनाने के लिए यहां 5 शोध समूहों का गठन किया गया है, जिसमें फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल संरक्षण, उत्पाद विकास व विपणन और समाज विज्ञान शामिल है। शोध उपलब्धियों पर नजर डालें तो विश्वविद्यालय ने फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल सुरक्षा सहित उत्पाद विकास और विपणन के लिए कुल 60 तकनीकों और धान, गेहूं, मक्का, तीसी, चना, फूलगोभी, बैंगन, आम, लीची, बेल, मखाना, लहसुन सहित परवल के कुल 33 प्रभेदों को विकसित कर देश व प्रदेशों के किसानों को बेहतरीन सौगात दिया है। वर्ष 2022-23 में ही
बिहार के किसानों के लिए चार किस्में जिसमें सबौर चना 3, सबौर गार्लिक 2, पूसा अगेती मसूर और 5 प्रौद्योगिकियां विकसित कर सिफारिश की गई है। केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं के सहयोग से यहां 521 रिसर्च परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए बीज अधिनियम के तहत धान, तीसी और मखाना के विभिन्न प्रभेदों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कृषि विकास की नई तकनीक एवं शोध का लाभ प्रसार निदेशालय के माध्यम से बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। विश्वविद्यालय अपने अधीन कृषि विज्ञान केंद्रों, महाविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से 25 जिलों में शोध एवं विकसित तकनीकों को प्रसार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, प्रथम पंक्ति प्रसार कार्यक्रम, कृषि सलाह, किसान चौपाल, किसान मेला, गांव का अंगीकरण, किसान कॉल सेंटर, तकनीकी वीडियो, किसान ज्ञान रथ, सोशल मीडिया के द्वारा किसानों तक पहुंचाने का निरंतर काम कर रहा है। विश्वविद्यालय अपने डिजिटल माध्यमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग आयोजित कर लाखों किसानों को लाभान्वित कर रहा है। साथ ही किसानों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए कृषि उपयोगी जानकारियों से भरी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं भी नियमित रूप से प्रकाशित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को भी इस विश्वविद्यालय ने अवसर के रूप में लिया है। किसानों की आर्थिक समृद्धि और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इन्हें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत मौसम आधारित खेती की नित नई पाठ पढ़ाई जा रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 81,094 किसानों को 3,261 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कृषि विज्ञान, बागवानी, पौध संरक्षण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। साथ ही 408 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुल 12,772 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। विश्वविद्यालय का मीडिया सेंटर देश के प्रसिद्ध मीडिया केंद्रों में से एक है, जो अत्याधुनिक वीडियो उत्पादन और संपादन सुविधाओं से लैस है। यहाँ अपने अधिकार क्षेत्र के सभी कृषि विज्ञान केंद्र और महाविद्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने वाली सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य के जिलों के किसान का ज्ञानवर्धन करने के उद्देश्य से यहाँ 2 किसान ज्ञान रथ का भी संचालन किया जा रहा है। BAU सबौर ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल भी विकसित किया है, जिसे अभी तक करीब 4,00,000 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 4.5 करोड़ से ज्यादा बार लोगों ने देखा है। यहाँ 470 से अधिक तकनीकी वीडियो और किसानों की सफलता की कहानियां अपलोड हैं। साथ ही यहाँ की सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन का भी प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें लेडीज फर्स्ट, करियर वॉच, स्वस्थ रहे हम, रेडियो रिविजन प्रमुख हैं। मीडिया सेंटर के उत्कृष्ट कार्यों का ही नतीजा है कि इसे देश के कई प्रतिष्ठित अवार्डों से नवाजा जा चुका है।